हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन। आज मैं हूँ सौरभ साह और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए आया हूँ एक कंपोजिशन वीडियो, जिसको मैं कोशिश करूँगा कि पूरी तरीके से रियल टाइम में करूँ और आपको हर एक स्टेप दिखाऊँ मेरे पूरे प्रोसेस का कंपोजिशन ड्राइंग के। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कंपोजिशन को बनाना है, सेटअप करना है और उसके साथ साथ हमें पहले पेंसिल में उसको ड्रॉ करके ख़त्म करना है अपने ड्राइंग को। उसके बाद हम इसको ओपेक का यूज करके कलर करेंगे। तो आज का कंपोजिशन हम इस तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इसके टॉपिक को ध्यान रख के हमें इसका एक कंपोज करना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल कंपोजिशन होने वाला है। सबसे पहले मटेरियल्स, यहाँ पर मैंने अपना एक स्केचबुक रखा है जिसकी जो पेपर्स है वो आर्ट पेपर के जितने ही मोटे होते हैं और ज्यादातर स्कूल्स में आपको इसी तरीके के पेपर मिलेंगे। और ये पेपर के जगह पर आप किसी चार्ट पेपर को या आर्ट पेपर को 1/4 पार्ट में काट के भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने टॉपिक को सोचना पड़ेगा कि हम उसमें क्या बनाएंगे। तो उसके पहले आप किसी भी आर्ट पेपर के पीछे या फिर किसी भी नोटबुक के जो पीछे का पार्ट है उसमें आप उसको एक रफ स्केच बनाना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम अपने नोटबुक को पीछे करेंगे और उसके बाद अपने पेपर के हिसाब से एक बॉक्स बनाएंगे छोटा और उसके हिसाब से एक रफ स्केच बनाएंगे। यहाँ पर हमें एक काफी सिंपल टॉपिक में मैं बनाने वाला हूँ इस पेंटिंग को, ताकि हम इसे जल्दी बना पाए और मैं सारे प्रोसेसेस आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। इसलिए हमारा टॉपिक है आज विलेज किचन। तो ये टॉपिक काफी आसान टॉपिक है और इसमें मैं ड्राइंग भी काफी आसान बनाऊंगा। सिर्फ एक फिगर का यूज करूंगा और उसमें ही मैं सारे चीज को दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। तो यहाँ पर हमारा है ये बॉक्स है, इसके अंदर हम आपको सब दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमें बस एक फिगर बनाना है और एक सिंपल कॉम्पोजिशन बनाना है। तो इसके लिए रफ कॉम्पोजिशन हम सबसे पहले बना रहे हैं। तो उसमें हमने क्या किया, यहाँ पर बस रफली एक फिगर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो फिगर होगा इसमें हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव की कोई एक महिला खाना बना रही है और उसी का एक सीन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। बस एक सिंपल सा स्टिक फिगर टाइप हमें बनाना है। तो यहाँ पर ये होगा हमारा फिगर जो कि कुछ कर रही है अपने हाथों से, हो सकता है सब्जी काट रही हो या फिर कुछ और। तो यहाँ पर उसकी थाली होगी एक, जिसमें वो कुछ रखा हुआ होगा सब्जी या फिर कुछ और। उसके बाद यहाँ पर कुछ और थाली होगा। जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉम्पोजिशन है उसमें हमने ये गलती कर दी कि ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, और क्योंकि ये रफ स्टेज है तो हम इसको अभी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए साइड में हमने यहाँ पर जगह थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो चूल्हा होगा, मिट्टी का चूल्हा, वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। वो एक काफी इंटरेस्टिंग एरिया होगा। यहाँ पर कोई भी पतीला रखा होगा और यहाँ पर नीचे आग चल रही होगी। और यहाँ पर जो बैकग्राउंड होगा, यहाँ पर कुछ और पतीले और हांडी बहुत कुछ रखी हो सकती है, उनको भी हम रफली थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर और कुछ थालियां होंगी और पीछे वाल होगा। तो ये एक सिंगल लाइट सोर्स से होगा, तो जो हमारा मेन एलिमेंट होगा उसमें हम थोड़ी बहुत देख लेते किस टाइप का होगा। यहाँ पर एक घूंघट ओढ़ा होगा तो इंटरेस्टिंग लगेगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देने पड़ेंगे हमें एक कैरेक्टर बनाने के लिए। एक पैर, जो सामने वाला पैर है वो ऐसे, ये हाथ ऐसे और ऐसे। ये काफी एक रफ स्केच आपको दिख रहा होगा। अभी मैं लाइट एंड शेड का देख लेता हूँ किस टाइप से। तो यहाँ पर मैं बस सिंगल लाइट सोर्स रखना चाहता हूँ। तो बस ये जो आग होगा, पतीले में जो आग है वो बस जल रहा होगा और बाकी सारे एरियाज डार्क में होंगे।
इसलिए ये बस सिंगल लाइट सोर्स से काफी इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिक पेंटिंग होने वाली है। इसलिए सबसे पहले ये पार्ट काफी डार्क होगा क्योंकि डायरेक्ट ये लाइट की इस पार है, तो जो एजेस होंगे वो काफी लिट अप होंगे, लेकिन जो टोटल फिगर होगा वो काफी डार्क में होगा। यहाँ पर बाकी बैकग्राउंड भी डार्क होगा, लेकिन इस साइड में लाइट होगा, लाइट इस ऐसे ही टोटल एरिया में फैल जाएगा। तो ये बस दिखाने का एक जरिया है कि हमारा कॉम्पोजिशन किस तरीके का होगा। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, काफी ज्यादा रफली और स्पीड में काफी टाइम आप इसको अपने दिमाग में ही कर सकते हैं कि कैसे आप इसको बनाएंगे। बस एक फिगर के साथ हमें एक ड्रामेटिक सीन इसमें दिखाने की कोशिश करनी है। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन हुआ टोटल, इसे हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी तो ये हमारा मेन पेज है, इसमें हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम इसमें फिगर आउट कर लेंगे कि किधर से कितना होगा। तो ये हमारा जो मेन फिगर है उसकी पोजीशन को हमें सबसे पहले डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए हम ऐसे रफ आउटलाइंस बना लेते हैं। यहाँ पर मैं आर्ट लाइन की पेंसिल को यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छी पेंसिल्स होती है जो कि काफी सॉफ्ट होती है। और यहाँ पर मैं 2B का यूज कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा डार्क पेंसिल अगर मैं यूज करूँ तो वो काफी काला हो सकता है और डर्टी दिख सकता है। और क्योंकि जब हम रफ कंपोजिशन बना रहे होंगे तो काफी टाइम हमें चेंजेस करने पड़ेंगे और मिटाना पड़ेगा, तो आप जितनी डार्क पेंसिल का यूज करेंगे उतनी आपकी पेंटिंग डर्टी बन सकती है। इसलिए जितनी कोशिश करें कि आप लाइटली बनाएं और लाइट पेंसिल्स का यूज करें। ये जो फर्स्ट स्टेज है इसमें आप जितना चाहे उतनी चेंजेस बना सकते हैं, और कोशिश करें कि अपने जो फिगर है उसकी पहली जो प्रॉब्लम है उसकी पोजीशनिंग उसको आप ध्यान रखें, क्योंकि कॉम्पोजिशन में आपका आंख जिधर जा रहा है वो काफी इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए पोजिशन ऑफ द फिगर काफी इम्पोर्टेंट होता है। पर आपको अपना फिगर का जेस्चर देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से अपना फिगर बेंड अप होके बैठा हुआ है, और प्रोपोर्शंस का ध्यान रखना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपने फिगर में अगर प्रोपोर्शन ठीक ना हो तो फिगर आउट ऑफ ऑर्डर दिखता है और वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो हमारे जो हेड होगी वो इतना होगा और उसके नीचे हम 1, 2 and half इतना हमारा फिगर होना चाहिए। जब बैठा होता है फिगर ऑलमोस्ट इसी तरीके का होता है, तो इतने में हमारा फिगर कंप्लीट होने से वो अच्छा होगा। यहाँ पर इसके हाथ, देखिए दोस्तों इस वीडियो में हमें जितनी हो सके उतनी डिटेल में आपको सारे बातें बतानी है और दिखानी है कि किस तरीके से मैं अपने ड्राइंग को बना रहा हूँ। इसलिए मैं इस वीडियो को पूरी तरीके से रियल टाइम में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ,
और मेरा इसमें ये उद्देश्य होगा कि आप देख पाए कि कैसे मैं फिगर को बना रहा हूँ। तो इसको समझाने के लिए मुझको थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर नॉर्मली हो तो इससे काफ़ी ज़्यादा जल्दी मैं अपने प्रोसेस को करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे रफली अगर मैं फिगर को बना लूँ उसके बाद कलर में भी मैं उसको करूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन जब दिखाना होगा तो मुझे अच्छे से इसको आप लोग के लिए बना के दिखाना होगा। तो यहाँ पर अभी हमारा फिगर का मेन स्ट्रक्चर बन चुका है, तो इसके बाद हम दूसरे एलिमेंट्स को ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हांडी होगी या जो पतीला होगा वो ऐसे रखा होगा। आप बड़े बड़े शेप्स का यूज कीजिए ताकि जल्दी आपका सारे ड्राइंग हो सके। यहाँ पर ये रहा चूल्हे के जो एंट्रेंस है उसको आप ऐसे दिखा दीजिए, और ये इधर आग निकल रहा होगा यहाँ से, और यहाँ पर एक अच्छा काफी कंट्रास्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पर काफी तेज चलती हुई आग होगी और इसके सामने ही हमारा ये हाथ होगा, तो इससे क्या होगा कि एक काफी कंट्रास्टिंग सिचुएशन बनेगा और हमारा सारा फोकस यहाँ पे जाके ठहरेगा। यहाँ पर कुछ और पतीले हम बना दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ सब्जियां और कुछ याद रखिए दोस्तों कि ये काफी डार्क में होने वाला है ये पूरा सिचुएशन, तो इसे आपको उतनी डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन काफी सारे सिचुएशंस में आपको ये काफी लाइट एरियाज में बनाने हो सकते हैं, या फिर कोई डे सीन में जब आप बना सकते हैं उस टाइम आपको इसको थोड़ा बहुत डिटेल में बनाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये डार्क एरिया में होने वाला है तो इसमें उतना डिटेल में नहीं होगा। इन सब अरेंजमेंट्स को देखने के लिए कि किस तरीके से ये अच्छे से रखे होंगे उसके लिए आप किसी रेफरेंस फोटो का यूज कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी विलेज में जाके या फिर आपके आसपास ही जिस तरीके से रखा होगा उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें जो भी पेंटिंग करनी है वो ऑब्जर्वेशन से करनी है और जो एक्चुअल वर्ल्ड में है उसी को हमें अच्छे से ऑब्जर्व करके दिखाना अपने पेंटिंग के जरिए, तो इसीलिए आपको ये सब करना काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप कुछ और मसाले के डिब्बे सब बना सकते हैं, उसके बाद पीछे के वॉल का जो एरिया है वो आप दिखा सकते हैं, और यहाँ पर काफी घरों में क्या होता है कि एक खिड़की होती है छोटी सी जहां से धुआं निकल पाए, यहाँ पर एक छोटी सी ऐसे कुछ रखा होता है। इसके साथ साथ आप फिर दीवार में कुछ बना सकते हैं, जैसे कि एक रफ कोई टेक्सचर दे सकते हैं,
लेकिन ज्यादातर ये पूरा पूरा हमें काला करना है, इसलिए कुछ ज्यादा इसमें नहीं होने वाला है। आप इस खिड़की को भी और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर छोटी ही होती है। इसके बाद यहाँ पर पीछे के कुछ और एलिमेंट्स आप बना दीजिए ऐसे। एक यहाँ पर हांडी रखी हुई है, उसके नीचे एक और। याद रखिए दोस्तों कि काफी टाइम पे ये ऐसा होगा कि सारे शेप्स आप डिफरेंट बना सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल डे में और नॉर्मल लाइफ में भी कभी आप एक टाइप का शेप तो देखते नहीं है, और फिर डिफरेंट शेप की हमें पतीले या फिर चीजें दिख सकती है, इसलिए आप काफी डिफरेंट टाइप के शेप्स बना सकते हैं। यहाँ पर मैं काफी रफली सारे शेप्स को एक ब्लॉकिंग कर दे रहा हूँ। ये बिल्कुल भी फाइनल फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी इतने में ही हम कलर करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कलर करना हमारे लिए मेन है और बाकी चीजें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप कोई काफी टाइम क्या होता है कि ऊपर में कुछ रखे होते हैं चीजें, जैसे कि है या फिर कुछ और, या फिर यहाँ पर दीवार टूटी भी आप दिखा सकते हैं। ऐसे आपको क्या करना है कि कई सारे एलिमेंट्स आपको खुद ही सोच के डालने पड़ेंगे कि आप क्या इसमें रखने से ये पूरा चीज इंटरेस्टिंग दिख सकता है, या फिर यहाँ पर आप कुछ ईंटों की दीवार यहाँ से निकली हुई है ऐसी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ डिजाइन बने हुए हैं। ये पार्ट कुछ उतना ज्यादा डार्क में, बहुत ज्यादा डार्क में होगा इसलिए दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीजें आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ लकड़ियां रख सकते हैं आप, जो कि जलाने के लिए यूज होगा। पतली पतली लकड़ियां जो कि जलाने के लिए यूज होती है, उसको आप ऐसे रफली दिखा दीजिए। उसको हम ब्रश के स्ट्रोक से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद आप यहाँ पर कुछ और डिजाइन बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी इस ड्राइंग को छोड़ सकते हैं। इसी में हम काफी सारे कुछ कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ और खड़ी हुई लकड़ी आप दिखा सकते हैं। दोस्तों इतना मुझे लगता है कि काफी होगा, उसके बाद कुछ और होगा तो हम पैचेस में कलर्स के साथ बना सकते हैं। इसके बाद हमें अपना जो मेन फिगर था उसको थोड़ा डिटेल में बना देना है, ताकि हमें जब कलर करे तो उस टाइम थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाए कि किस टाइप से हमें कलर करना है। तो इसके लिए हम इसको बना रहे हैं।
इसका जो घूंघट है या जो पल्लू है उसके फोल्ड्स को आपको थोड़े बहुत दिखाना जरूरी है, क्योंकि बस एक ही फिगर हमने इसमें दिया है, लेकिन फिर भी उस एक फिगर में हमें ऐसा दिखाना है कि पूरे ड्राइंग सक्सेसफुल लगे, इसलिए हमें इसमें थोड़ी बहुत डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। इसको मैं कलर में भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट यहाँ पर आपको एक फीमेल की करनी है, तो इसलिए आप ऐसे कर्वी बना सकते हैं उसके फेस को, यहाँ से गले को आप निकाल सकते हैं और जो नोज होगी उसको थोड़ा सा राउंड बना सकते हैं और इस तरीके से लिप्स कंप्लीट होके अपना पोर्ट्रेट ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पर जो आई होगा उसको भी आप थोड़ा सा दिखाइए और इतने में आप पोर्ट्रेट को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसका जो हाथ है ब्लाउज को हम ऐसे बनाएंगे और यहाँ से उसका फिगर इस टाइप से होगा, तो आपको फिगर के अंदर जो भी हो रहा होगा उसको भी आपको दिमाग में रखना है, ताकि जो कपड़े होंगे उसके फोल्ड्स नेचुरल हो। अगर आप बस कपड़े बनाएं और अंदर क्या है वो कुछ ना सोचे तो फिर वो कभी अच्छे से नहीं बन सकता है। इसलिए जो फिगर के अंदर है उसको आपको सोच के बाहर के सारे पार्ट्स को बनाना है, ताकि हमारा फिगर नेचुरली मूव हो और जो क्लोथ्स हो नेचुरली मूव हो। तो यहाँ पर आप फिंगर दिखाइए इसकी, हो सकता है कि इसमें कुछ पकड़ा हुआ है कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे। हाथ बनाना काफी डिफिकल्ट होता है फिगर में, हमें रफली हाथ के भी स्ट्रक्चर को ब्लॉक इन कर देना है। दोस्तों ये फिगर मैं ये कंपोजिशन मैंने पहले से सोच के रखा है, ताकि मैं आपको सोचने में ही हमें काफी प्रॉब्लम होती है और उसके लिए हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप जितना हो सके उतना कंपोजिशन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि अगर पहले से सोचा हुआ कंपोजिशन आए कंपटीशन में तो आप बना पाए। और यहाँ पर आपको कुछ ऐसे करना पड़ेगा कि अगर आपने पहले से ही कोई और कॉम्पोजिशन सोच के रखी है उसको फिर आप अगर आप उस वही के किसी टॉपिक में अगर वो टॉपिक कॉम्पोजिशन से ना भी मिले फिर भी आप अगर उसको वहां पर ऐड करने की कोशिश करें तो वो काफी अच्छा होता है। यहाँ पर इसका जो ये वाला थाई होगा वो इस तरीके से होगा, जो कि यहाँ पर ऐसे आ रहा होगा और यहाँ पर उसका पल्लू ऐसे। और ये वाला थाई इस तरह से, ये काफी सिंपल कॉम्पोजिशन है दोस्तों, लेकिन इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो कि मैं फ्यूचर में आपको दिखाऊंगा भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव में कैसे बना सकते हैं। काफी अजीब अजीब पर्सपेक्टिव में अगर आप ड्राइंग बनाएंगे तो वो दिखने में काफी अच्छा लगेगा, इसीलिए आप इसको पर साड़ी के फोल्ड्स होंगे, यहाँ से उसका जो साड़ी का पल्लू होगा
इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर जो दूसरा पार्ट होगा साड़ी का वो ऐसे पर फोल्ड आएगा और यहाँ पर वो पूरे बॉडी के साथ लपेटा हुआ होगा। तो इस एरिया में काफी सारे फोल्ड्स होंगे, आपको जो फोल्ड्स होंगे उसके जो पैटर्न है उसको कुछ सोच के काफी टाइम डालना पड़ेगा, इसलिए वो उतने ज्यादा नेचुरल तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एक अच्छा फॉर्म आप दिखा पाए तो अच्छा होगा। इसके साइड में अभी आप ऐसे फोल्ड्स को दिखा सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर एक कपड़ा कोई फटा हुआ कर कुछ दिखा सकते हैं जिसके ऊपर वो बैठी होगी। यहाँ पर आप कोई पंखा भी दिखा सकते हैं जिससे वो काफी टाइम क्या होता है, यहाँ पर किसी एरिया में एक पंखा होता है शायद ऐसे जो कि दीवार से लगा होता है जिसको वो यूज करके काफी टाइम आग को बढ़ाने की कोशिश करती है, इसलिए पंखा काफी टाइम लटका होता है। ऐसे ऐसे कुछ और एलिमेंट्स आप ऐड करके अपने ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया पूरा प्रोसेस ड्राइंग का कि कैसे आप एक सीन को कंपोज कर सकते हैं और उसको फिर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आधा घंटा जितना आपको लग सकता है इस ड्राइंग के प्रोसेस में, लेकिन मुझे इससे काफी ज्यादा कम टाइम लगना चाहिए था, एक फिगर होने के बावजूद भी मुझे इससे काफी ज्यादा स्पीड में भी काम करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारा काम दिखाना है इसलिए मैंने इसको काफी धीरे किया और कुछ ज्यादा जगह पर ज्यादा कुछ बनाए। लेकिन अगर आप खुद से नॉर्मली करेंगे तो इससे काफी जल्दी आपको करना पड़ेगा और भी रफली भी करना पड़ेगा। रफली करने में क्या होगा क्योंकि अभी आपको कलर करना है तो इसलिए रफली करना जरूरी है क्योंकि कलर में काफी ज्यादा ढक जाएगा पूरा पार्ट। हम इसको ओपेक में बनाएंगे, लेकिन आप वाटर कलर में भी सेम ड्राइंग को यूज करके बना सकते हैं। वाटर कलर में आपको और थोड़ा हल्का बनाना पड़ेगा, मैं भी नॉर्मली काफी हल्का बनाता इससे, लेकिन क्योंकि इसको हमें दिखाना है इसलिए हमने इसको थोड़ा डार्क किया। तो ये हमारा कंपोजिशन है, इसको भी हम कलर करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेंटिंग जो कि था स्केच वाला पार्ट। तो इस पार्ट में हमने आप देखा कि कैसे मैं कंपोज करता हूँ किसी कंपोजिशन को और फिर कैसे मैं उसको फिगर के साथ स्केच करता हूँ। तो ये दोनों कंप्लीट होने के बाद अभी हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है कलरिंग। तो कलरिंग के लिए मैं दूसरी वाली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने अच्छे से पूरे प्रोसेस को कलरिंग के अच्छे से डिस्क्राइब किया है और लाइव टाइम में या फिर रियल टाइम में मैंने उसको पेंट किया है। तो वो वाली वीडियो आज को ही मैं डाल दूंगा, आज शाम को या फिर कल मैं डाल दूंगा। तो उसके लिए आप देखते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद ही वो पेंटिंग आने वाली है। तो स्टिक अराउंड, थैंक यू एंड गुड बाय।